फ्रेंड्स, बीना की दुनिया में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ ये वाला डिजाइन शेयर कर रही हूँ। इस डिजाइन के लिए हमें 2 के मल्टीपल से फंदे चाहिए और लास्ट में एक फंदा हमें एक्स्ट्रा रखना है और ये डिजाइन हमारा 4 सिलाइयों में कंप्लीट होता है। फ्रंट साइड से ऐसे दिखता है और बैक साइड से ऐसे दिखता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैंने 10 नंबर की सिलाई पे 15 फंदे डाले हैं और ये डिजाइन की हमारी पहली सिलाई है। पहला फंदा हमें उल्टा बुनना है, धागा पीछे करना है, एक फंदा सीधा। तो इन्हीं दो फंदों को हमें रिपीट करते जाना है। एक फंदा उल्टा बनाना है और एक सीधा, फिर एक उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बनाया, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा बुनना है और एक फंदा सीधा बुनना है, फिर एक फंदा उल्टा बनाना है, एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा और लास्ट का फंदा उल्टा बनाना है। पहला फंदा और लास्ट का फंदा उल्टा होना चाहिए, तो एक फंदा उल्टा बनाए फिर सीधा बनाना है, तो लास्ट में भी हमें यहाँ उल्टा फंदा रखना है। अब दूसरी सिलाई है रॉन्ग साइड। पहला फंदा हम ऐसे ही सीधा उतार लेंगे और धागे को अपनी तरफ करके सारी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट के फंदे को हमने इस साइड से उल्टा बनाया था, तो इधर से सीधा बनाएंगे। फिर सीधी साइड है और तीसरी सिलाई है। इस सिलाई को हमें पहली सिलाई के जैसे बनाना है। पहला फंदा उल्टा उतारेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। इन्हीं दो फंदों को फिर रिपीट करना है, एक फंदा उल्टा, एक सीधा, फिर एक फंदा उल्टा बनाना है, एक फंदा सीधा। इस तरह हमें ये पूरी सिलाई कंप्लीट करनी है। बहुत ही आसान डिजाइन है। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक सीधा और लास्ट का फंदा उल्टा। फिर उल्टी साइड है और डिजाइन की हमारी ये चौथी सिलाई है। तो पहला फंदा ऐसे सीधा उतार लेना है और धागा अपनी तरफ करके उल्टे फंदे को उल्टा बना लेना है, फिर धागा पीछे करना है और ये सीधा फंदा दिख रहा है, इसे हमें यहाँ से नहीं बुनना है, नीचे साइड से ऐसे यहाँ सिलाई डालकर इस फंदे को हम सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को उल्टा बना देना है, फिर धागा पीछे, सीधे फंदे को जो ये सीधा दिख रहा है इसको हमें नीचे से बुनना है, नीचे से सिलाई डालकर ये धागा ऐसे छोड़ देना है। फिर एक फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे, सीधा फंदा नीचे से बुनना है, ऐसे उस धागे को ऐसे छोड़ देना है। फिर उल्टे फंदे को उल्टा बनाना है, धागा पीछे किया, फिर ये सीधा फंदा है तो इसे हमें इस फंदे में नहीं सिलाई डालनी है, यहाँ नीचे से सिलाई डालकर एक सीधा फंदा बुन लेना है। फिर एक फंदा उल्टा बनाया, फिर धागा पीछे किया, अब इस सीधे फंदे को हम यहाँ से सिलाई डालकर सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे और इस फंदे को हमें सीधा बुनना है, यहाँ नीचे सिलाई डालकर यहाँ से एक फंदा बुनना है और इस धागे को ऐसे उतार देना है। फिर उल्टा फंदा उल्टा बनाना है और लास्ट के फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो इस तरह हमारी ये चौथी सिलाई भी यहाँ कंप्लीट हुई है। तो इन्हीं 4 सिलाइयों को हमें पूरे प्रोजेक्ट में बुनते जाना है। तो एक बार मैं फिर से ये डिज़ाइन आपको बताती हूँ। पहला फंदा
रिपीट करने के बाद ये पहली सिलाई है। पहला फंदा उल्टा बुनना है, धागा पीछे किया, एक फंदा सीधा। पहली सिलाई को हमें ऐसे ही एक फंदा उल्टा एक सीधा बुनते जाना है। एक फंदा उल्टा बनाया, धागा पीछे करके एक सीधा, फिर धागा आगे करके एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, फिर एक फंदा ये उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा। जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बनाना है, जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा बनाना है, और लास्ट के फंदे को उल्टा बना देना है। तो इस तरह डिजाइन को रिपीट करते हुए ये पहली सिलाई यहाँ कंप्लीट हुई। दूसरी सिलाई में पहला फंदा हम सीधा उतारेंगे और धागे को अपने तरफ करके पूरी सिलाई उल्टी बुनकर कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट के फंदे को सीधा बुन देना है। फिर तीसरी सिलाई है, तीसरी सिलाई को हमें पहली सिलाई के जैसे बुनना है। पहला फंदा ऐसे उल्टा उतार लेंगे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा। जो सीधा दिख रहा है उसे सीधा बुनना है, जो उल्टा दिख रहा है उसे उल्टा बुनना है। फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, फिर एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, और लास्ट का ये फंदा उल्टा। अब आ जाइए फिर चौथी सिलाई में। पहला फंदा सीधा उतारा, धागा अपनी तरफ, ये उल्टा फंदा है, इसे उल्टा ही बुन लेंगे। फिर धागा पीछे करना है और इस फंदे को हमें यहाँ से नीचे से सीधा बुनना है। नीचे से सिलाई डाल के ऐसे सीधा बुनना है और इस फंदे को ऐसे छोड़ देना है। फिर धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को उल्टा बुन लेंगे। फिर धागा पीछे, सीधे फंदे को नीचे से सिलाई डाल के ऐसे सीधा बुनना है। फिर एक फंदा उल्टा और सीधे फंदे को नीचे से सिलाई डालकर सीधा बुन लेना है। फिर उल्टे फंदे को उल्टा बनाया, धागा पीछे, सीधे फंदे को यहाँ से छोड़ के यहाँ नीचे सिलाई डाल के ऐसे सीधा बना लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे, सीधे फंदे को नीचे से सिलाई डालकर सीधा बुन लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, उल्टे फंदे को उल्टा बनाना है, फिर धागा पीछे, सीधे फंदे को नीचे से सिलाई डालकर सीधा बुन लेना है। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा और लास्ट का फंदा सीधा बुन देना है। तो इस तरह फ्रेंड्स हमने ये दूसरी डिजाइन शुरू करके यहाँ चौथी सिलाई कंप्लीट कर लिए। तो इस तरह हमने चार चार सिलाइयों के दो डिजाइन यहाँ बना लिए हैं। तो इन्हीं चार चार सिलाइयों को फ्रेंड्स पूरे प्रोजेक्ट में रिपीट करते जाना है। तो बनने के बाद फिर हमारा डिजाइन ऐसे दिखता है। तो फ्रेंड्स आपको ये डिजाइन कैसे लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।